नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपने सुना होगा, जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं। कुछ इसी तर्ज पर चल रहा है इस समय UPSC। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि LT ग्रेड से लेकर के PCS और APO का सभी पेपर जो है वो बाज़ार में उपलब्ध करवा दिए गए, जिसमें LT ग्रेड का मामला जोर पकड़ा हुआ है और अब ये माहौल काफ़ी गर्म हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो परीक्षा मुद्रक यानी कि पेपर की मुद्रक की जो मालकिन थी आरती मिश्रा और परीक्षा नियंत्रक अंचुलता कटियार, उनके साथ साथ एक इसमें पांडे जी पकड़े गए थे जो कि सारा सौदा पूरा करते थे। और ये पांडे जी जो थे, मैं उनके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। इन्हीं सबके बीच में ये पूरा का पूरा सौदा होता था। और आज क्या है कि यहाँ पर जो निकला हुआ है UPSC, उन 50 अभ्यर्थियों में से, मतलब जिन्होंने 21-21 लाख दे करके पेपर को खरीदा था, उन 50 में से 21 अभ्यर्थियों ने कह रहा है कि पेपर नहीं दिया। मतलब UPSC के रिकॉर्ड में है कि 21 अभ्यर्थियों ने पैसा देने के बाद भी पेपर नहीं दिया, बाकी के 29 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। लेकिन आज तक आयोग ने उन 29 अभ्यर्थियों का डेटा नहीं उपलब्ध कराया। STF की जांच में पहले ही ये बता दिया गया था, पहले पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन गड़बड़ी के बाद भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने खुद उनका बचाव किया। आखिर करे भी ना क्यों, जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं इस तर्ज पे चल रहा है ना। प्रश्न पत्र खरीद कर परीक्षा में देने वाले 29 अभ्यर्थियों पर रही चुप्पी। STF की मांगी गई जानकारी देकर स्वयं आगे नहीं बढ़ाई जाँच। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा न्यूज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश संस्करण दैनिक जागरण पेज नंबर है ये 8 पर छपी खबर के अनुसार, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC आंतरिक जांच के एक अहम मुद्दे से कटघरे में है। 50 अभ्यर्थियों की ओर से प्रश्न पत्र खरीदे जाने की जानकारी STF के SSP से मिलने के बाद UPSC ने उनका विवरण न तो खंगाला और न ही कोई मतलब कार्रवाई की। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने विवरण तो देखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। विवरण किया तो पाया कि 29 ने परीक्षा दी, शेष 21 जो है वो गायब थे। लेकिन 3 माह बीत जाने के बावजूद आयोग ने परीक्षा में शामिल इन अभ्यर्थियों के खिलाफ ना तो स्वयं जांच आगे बढ़ाई और न ही उन्हें कोई नोटिस दी। ज्ञात हो कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में खेल होने की जानकारी STF से मिलने के बावजूद UPSC ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। संविधानिक व स्वायत्त संस्था होने के नाते इस मामले से में गंभीरता से जांच की दिशा में स्वयं भी कदम बढ़ाने की बजाय परिणाम के लिए विधिक राय लेना बेहतर समझा। जांच आगे क्यों बढ़ाए, जब पैसा लिए हैं तो उनकी हिम्मत कैसे की जाँच आगे बढ़ाएंगे। ये भी तो बात है, जो 21-21 लाख रुपये दिया है तो वो भी तो काफ़ी मेहनत किया ना। UPSC ने इतना जरूर किया कि STF से मिली 50 अभ्यर्थियों की सूची पर आंतरिक जांच करते हुए प्रति उत्तर में यह बताया कि इनमें 29 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल रहे। अब कर्मचारी यूनियन को अपनी आवाज़ बनाकर UPSC ने STF की कार्रवाई पर जवाबी हमला कर रहा है। मतलब कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो आयोग में और भी कर्मचारी हैं वो लोग इन लोगों को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन काश ये प्रदर्शनकारी अगर रोड पे आ जाते तो इनकी औकात पता चल जाती। लेकिन ये सब आयोग के अंदर ही करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है बाहर आ जाएंगे तो इन्हें अभ्यर्थी जीने नहीं देंगे। आगे देखिए, जब प्रश्न पत्र लीक हुए और इस अभ्यर्थियों ने इसे 20-20 लाख में खरीदा तो 21 लोगों ने परीक्षा क्यों नहीं दी। अब इसके बारे में तो कोई जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जो भी हम आपको बताते हैं, खरीदा था 50 लोगों ने लेकिन परीक्षा दिया था मात्र 29 लोगों ने। अब 21 लोगों ने परीक्षा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या कारण था, उसका जानकारी यहाँ पर नहीं है। आगे दिखाते हैं क्या है। इसके उलट UPSC खुद ही इस गड़बड़ी और इसमें शामिल लोगों को बचाने के चलते उल्टे कटघरे में आ गया। बड़ा सवाल है कि हिंदी विषय की परीक्षा में प्रश्न पत्र खरीदने वाले 29 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी तो इनके खिलाफ जांच या नोटिस भेजने की कार्रवाई पर किसकी रोक रही, पैसे की रोक रही जी।
यदि यूपीपीएससी यह मानता है कि परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो परीक्षा नियंत्रक पर शुरू हुई कार्रवाई के बाद से शासन या अन्य अधिकारी उचित पटल पर लिखित और विधिक रूप से अपना विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया। बुधवार को आयोग के गेट पर पसरा रहा सन्नाटा। और ये बहुत पुराना मामला है, आपने देखा होगा, अभी इसके पहले आपको हमने दिखाया नहीं था शायद, बहुत बड़ी कहानी है इसकी। कभी यादव आयोग तो कभी चिलम सेवा आयोग बनता रहा है यूपीपीएससी, अब तो इसकी मान मर्यादा भी खत्म हो चुकी है। आपने देखा होगा पिछली सरकार में जब अनिल यादव यूपीपीएससी के अध्यक्ष थे, उस समय लोगों ने लिखा था यादव आयोग पेंटर अनिल यादव, अहीर सेवा आयोग, लेकिन अब ये बदल करके चिलम सेवा आयोग हो गया है। समय समय की बात है, सब बदलता रहता है, लेकिन फिर भी मजे लूटने वाले लोग इसमें काफ़ी अच्छा धंधा चला रहे हैं। अभी तक आरोप लगता था कि सभी यादों की भर्ती हो रही है इसमें, अब आरोप का जो नज़रिया है वो बदल चुका है। तो कुछ भी हो, जातिवाद या किसी विशेष के ऊपर उंगली उठाने से इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि साहब जो बैठे हैं ना वो भी तो खाते हैं, तो फिर करेगा कौन। पेपर जहाँ से प्रिंट हो रहा है और पेपर को जो प्रिंट करवा रहा है, जब उन लोगों में ही मिली भगत है तो फिर अगला कोई क्या करेगा। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, और फिर इसी तरह की और भी जानकारी को पाते रहने के लिए पीवीआर स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपको अपडेट कराते रहेंगे यूपीपीएससी के कुछ गोरख धंधा जो भी हो रहा है, जो न्यूज या इंटरनेट के सोर्स के माध्यम से मिलेगा। अधिकारी कर्मचारी संघ पर भी उठ रहे हैं सवाल। अधिकारी कर्मचारी संघ क्या कर रहे थे आपको पता है? ये उन आरोपियों के बचाव में आयोग में बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। परीक्षा नियंत्रण की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन कर रहा संघ पूर्व अध्यक्ष के विवादित निर्णयों व सुहासिनी आदि मामलों में रहा मौन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अधिकारी कर्मचारी संघ इन दिनों उसी तरह से सक्रिय है जैसे यूपीपीएससी का कामकाज रोकने पर तत्कालीन सचिव और सीबीआई जांच के ऐलान पर अध्यक्ष व सदस्यों ने प्रतिक्रिया दी थी। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यूपीपीएससी के जिम्मेदार खुद सामने न आकर संघ के जरिए एसटीएफ की कार्रवाई को गलत और सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। वहीं आयोग पर सरकार के पक्षकार सचिव पूरी तरह से मौन साधे हैं। संघ ने मंगलवार शाम को जिस तरह से मीडिया को बुलाकर 4 पेज का पत्र जारी किया, उससे प्रतियोगी खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि संघ भ्रष्टाचारियों की ढाल बन रहा है। 8 बिंदुओं में जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, उससे यही लग रहा है कि संघ ही यूपीपीएससी को संचालित कर रहा है। साथ ही यह भी ध्वनि तो हो रहा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त करने की तैयारी है, उसे बचाने के लिए शिक्षा माफियों का जिक्र किया जा रहा है। प्रतियोगी कहते हैं कि यदि एसटीएफ ने परीक्षा नियंत्रक को गलत तरीके से गिरफ्तार किया तो पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। तो संघ के पास क्या है ऐसे साक्ष्य जिससे साबित हो सकता है कि निरस्त तो होने के से शिक्षा माफियों का फायदा होगा। प्रतियोगी अवनीश पांडे कहते हैं कि यह संघ पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव के तमाम गलत निर्णयों पर मौन साधे रहा। सीबीआई ने मुख्यालय में दस्तक दी तो विरोध किया, सख्ती होने पर संघ पीछे हटा। वहीं पीसीएस 2015 में सुहासिनी वाजपेयी की मुख्य परीक्षा की कॉपी बदल जाती है तो यह संघ कुछ नहीं करता। मतलब कॉपी वगैरह भी बदल सकते हो, पैसा होना चाहिए आपके पास बस। पांडे ने कहा कि क्या संघ केवल भ्रष्टों को बचाने के लिए ही सक्रिय होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सचिव ऐसे अधिकारी व कर्मचारी को नोटिस क्यों नहीं जारी करते जो सीधे सरकार को चुनौती दे रहे हैं। पांडे ने कहा कि संपत्ति के जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है, जल्द ही आयकर छापे पड़ेंगे, तब आंदोलन का मतलब इन्हें समझ आएगा। ज्ञात हो कि प्रतियोगी मोर्चा यूपीपीएससी के अफसरों व कर्मचारियों की अकूत संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा करके शासन को भेज रहा है। अब ये ऐसे नहीं बचने वाले, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आज ही पीबीआर स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और देखते रहें कुछ जो भी बवाल हो रहा है।